जय श्री सच्चिदानंद। ये किसी साधक ने प्रश्न पूछा है कि कैसी श्वासों से जुड़ना है, लंबी से या छोटी से, कैसी से हमें लाभ मिलेगा, या हम राम नाम जपते हैं तो कैसी श्वासों के साथ हमें राम नाम जपना चाहिए, विस्तार से बात करेंगे। देखिए, शुरुआत में तो आपको लंबी गहरी ही सांस लेनी पड़ती है क्योंकि आपको चलना सिखाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जो आपकी स्वाभाविक सांसें हैं उन्हीं के साथ आपको जुड़ना होता है, उन्हीं के साथ राम नाम जपना होता है। सहज ही सुमरन खोत है भीतर घटके माही, वो सहज रूप से हो रहा, जोर जबरदस्ती नहीं करनी, लेकिन शुरुआत में तो करनी पड़ेगी। पकड़ोगे कैसे? ऐसे तो श्वासें चल ही रही है कितने सालों से, आपका ध्यान गया आज तक? आप क्यों तैयारी करवाई जा रही है कि आप उन्हीं श्वासों पे टिक जाओ जो आपकी बिल्कुल चल रही है, जैसी उसी के ऊपर, उसी का दृष्टा बनना है। कुछ दिन में ऐसी अवस्था अपने आप ही आ जाएगी, लेकिन अभी जैसा टीचर ने आपको सिखा दिया गया है वैसे आपको करना पड़ेगा। अब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बहुत से बच्चे मन ही मन याद नहीं कर पाते, तो उनको क्या कहा जाता है? बोल बोल के याद करो, बोल बोल के। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि मन ही मन याद कर लेते हैं, लेकिन कई होते हैं उनको फिर बुलवा के याद कराया जाए, फिर उनको आदत पड़ जाती है धीरे धीरे, फिर वो मन से भी करने लगते हैं। वही आपको भी आदत डाली जा रही है ये, ठीक है? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? जैसे हम, जैसे आपने बोला एक स्थिति आ जाएगी, शून्य हो जाएगा जब हमारा विचार, तो हमारा सांस भी बहुत छोटा हो जाएगा। एक पूरा सांस जो हम अध्यात्म के उसके, किसको पूरा सांस बोलते हैं, जो हम आराम से लिए उसमें हमें पता ही नहीं लग रहा वो पूरा सांस है, या हम जो जोर से ले रहे हैं गहरा ले रहे हैं? जोर से ले रहे गहरा नहीं, वो पूरा सांस नहीं है। सांस आपका एक मिनट में 12 से 15 बार ही आनी चाहिए। अच्छा। ज्यादा तेज सांस लोगे तो, आपने कुत्ता देखा है? कुत्ता बहुत तेज सांस लेता है। कितनी उम्र होती है? 12-13 साल, 13 साल 14 लगा लो। और मगरमच्छ देखा है, कछुआ देखा है? कछुआ कितने साल जीता है? बहुत साल जीता है। वो बहुत धीरे सांस लेता है वो, तो हमें भी धीरे लेनी है, लेकिन छोटी नहीं लेनी। आप कभी काउंट करना घड़ी रख के, एक मिनट में आपकी 12 से 15 बार ही सांस आनी चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा ले रहे हो तो भी ठीक नहीं है, कम लेते हो तो भी ठीक नहीं है। अगर कम लेते लेते घटा लोगे ना, अभी तो शुरुआत में तो चलो 12-15 ठीक है, लेकिन आपकी स्थिति अब भजन करने लगे हो तो वो घट जाएंगी। घटाओगे ना श्वासों को 15 से 12, 12 से 10, 10 से 8, जितना कम करते जाओगे ना धीरे धीरे धीरे, ये धीरे और लंबी लोगे तभी घटती जाएंगी वो। 6 कर लिया तो आपने अपनी लाइफ डबल कर ली। समाधि में क्या होता है, जब श्वास रुक जाती है तभी तो ऋषि मुनि हजारों साल जीते हैं, क्योंकि उनकी श्वास, परमात्मा ने तो निश्चित सांसें दी है, ना एक कम ना एक ज्यादा। समय आएगा तो छोड़नी पड़ती है। जैसे आप बस में सफर करते हो, टिकट ले ली, स्टेशन आएगा उतरना पड़ेगा क्योंकि आपने वहां तक की टिकट ली है। ऐसे ही परमात्मा ने सांसें भी निश्चित दी है, जब वो पूरी हो जाएंगी, वो टिकट पूरी हो गई, उतरने पड़ेगा हमें, जीवन हमारा खत्म। तो आप इनसे जीवन बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। बहुत ज्यादा लंबी लंबी लेते रहोगे तो आपकी उम्र क्या घट जाएगी। श्वासें तो अगर आप 20 लेने लगोगे हर मिनट में तो क्या होगा, आप तो 10 सांसें 5 साल से ज्यादा ले रहे हो। तो ये स्थिति, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। अभी आप नए हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप करोगे ना, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो करने से ही पता चलता है, तो अपने आप ही आपको इतना आनंद आने लगेगा और आपको बिना बताए ही अनुभव होंगे, समझ में भी अपने आप ही आएगा। फिर भी कोई भी, कभी भी कोई प्रश्न हो तो आपको शर्म करने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर अगर आप करेंगे तो हम हर प्रश्न का उत्तर देंगे आपके, कभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है कि आप जैसे लोग भगवान से जुड़ें और निरंतरता से साधना करते रहें और इन बातों को भूले ना, जीवन में अवश्य उतारें।